हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे अपने 7:30 और भाई ओम भाई अपने स्कूल के लिए हो चुका है भाई रेडी। हाथ फट गए, हाथ में लगाने दो। ओम के हाथ फट चुके हैं, मतलब जो ठंड में हाथ फटते हैं तो ये हाथ में लगा रहा है अपनी वैसलीन। वैसलीन है नहीं, कुछ और ही है, क्रीम है, मतलब क्रीम है, क्रीम होनी चाहिए। हम पढ़ते नहीं, कौन सी क्रीम लगा दो बस, लगा दो बस। और भाई पढ़ाई वड़ा कर ले भाई, 2 महीने बचे हैं टेंथ में, वरना टेंथ में रह जाएगा भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भाई। बैग तो वाला मोटा मोटा हो रहा है क्या इसमें? किताबें। अच्छा, मम्मा प्रणाम, क्या हाल है? सब बढ़िया, बिंदास, फर्स्ट क्लास। साहब ओम के जाते ही भाई बस आ गई सामने से, खतरनाक एंट्री मारी भाई ओम ने। तो गाइस फिलहाल भाई बस नहा धो के आ चुका हूँ मैं, और भाई यहाँ पे अभी अपना नाश्ता भाई। भाई नाश्ते में है यहाँ पे बीन्स की सब्जी, और भाई यहाँ पे है मस्त अपना रोटी भाई। तो रोटी खाएंगे और सब्जी खाएंगे मस्त। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने कुछ काम से भाई, कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो वो काम करना है। तो साथ में जा रहे हैं अपने द स्मार्टेस्ट गाय इन द वर्ल्ड मनीष सर, एंड द सेकंड स्मार्टेस्ट गाय इन द वर्ल्ड अजय जोशी, फुल पावर, एंड द थर्ड स्मार्टेस्ट गाय इन द वर्ल्ड दिव्यांश पांडे। तो गाइस अभी हम जा रहे थे अपने कुछ काम से भाई, और हमको मिले यहाँ पे हमारे हीरो खत्री जी। खत्री जी क्या हाल है? और खत्री जी भाई हमको पूरे 3 महीने बाद मिल रहे, 2-3 महीने बाद, जब हम गए थे लास्ट गुलदार वैली 3 महीने बाद मिल रहे हैं। बीच में इनको डेंगू भी हो गया, बट अब ठीक है ना, अब बढ़िया है। अब ये कर रहे हैं बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं। 6 बजे घर से आ जाता हूँ। हाँ, अब जा रहे हो। गाड़ी रेडी है, बोलेरो अपनी, और यहाँ पे आ चुकी अपनी चाय, अपनी गैंग खड़ी है यहाँ पे। दिखाऊंगा मैं आपको कि मैं शूट कर रहा हूँ, ओए होए एकदम क्लोज। एक ग्रीन कलर में है, एक है ब्लू कलर की है, ब्लू एंड व्हाइट। खत्री जी आ गए। खत्री जी बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। ओके बाय बाय। अक्टूबर के अंदर अब करनी है सेटिंग, करनी टाइगर सेटिंग। बिल्कुल डन। और भाई साहब को भी हमारा चाय मैगी बड़ी बढ़िया बनाते हैं। बस हमारे हुकुम सिंह बता दो भैया। ओके बाय बाय, स्पॉट बता दो बढ़िया सा। ओके डन, बाय बाय, गुड नाइट। भाई हम जा रहे हैं मस्त मैगी खाने के लिए मैगी पॉइंट पे। तो हमारे आ चुके हैं स्मार्ट भैया जी सामने, पूरे अजय देवगन है भाई, अजय देवगन डिट्टो। 3 बटर मैगी कर दो आप, 3 बटर मैगी हो गया, और एक कर दो पनीर सैंडविच, और 3 कोल्ड कॉफी। ठीक रही कोल्ड कॉफी? कौन दे रहा है बताओ ना। बिल भर रहे मनीष सर भैया, 3 कोल्ड कॉफी सैंडविचेस और मैगी। मनीष सर आज पार्टी करा रहे हैं भाई। वो सब छोड़, भाई की बाली देख ले फिर बात कर लो। बाली कहाँ है? उधर बाली। बिल्कुल अजय देवगन है भाई, बाय। भैया अजय देवगन भैया जी क्या हाल है? उनका था। अच्छा एक हमारा है, अच्छा ये बाकी हमारे। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हैं। मोहित भाई क्या हाल है? बढ़िया। हमारे मोहित भाई ऑन टॉप का है। अभी मैं बैठा हूँ भाई ऑफिस में, यहाँ अपने मोहित भाई है, यहाँ अजय, यहाँ मनीष सर, बस चल रहा अपना काम। ठीक है, और काम अभी फाइनली अपना हो चुका है, कुछ काम चल रहा है गाइस। गुप्त काम है, गुप्त बिल्कुल, बहुत सीक्रेट काम है। वो काम क्या है वो बताएंगे आपको बाद में। स्मार्ट लग रहे हैं यार भाई मोहित भाई। तो गाइस फाइनली भाई मम्मी सुबह से लगी हुई थी मेकअप में, ब्राइडल मेकअप में, एंड फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे दीदी का मेकअप हो चुका है कंप्लीट। और भाई दीदी बहुत सुंदर लग रही है। तो दीदी आपको मेकअप कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब जो आपने सोचा था कि वो वैसे ही हुआ है, मेकअप ज्यादा बेटर हुआ है, बहुत अच्छा। बेटर हुआ है। और पापा यहाँ पे ले रहे फोटो, पापा कैसा मेकअप है?
बहुत अच्छा है और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आज अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही है। ऑल दी बेस्ट है आपको भी और आपके होने वाले हस्बैंड को भी। थैंक यू सो मच। तो पापा कितने नंबर दोगे आप 10 में से मेकअप को? 10 में से 10। और आप? 10 देखो ऐसा में से 11। देखो और सबसे बड़ी बात यह ना, मेकअप जो यही चीज है ना, वो भी सूट वही करता है जहाँ पर थोड़ा नए नक्श और सारी चीजें होती है। क्या बात है, वैसे भी बहुत सुंदर है वो, मैं तो वैसे भी देखा उसको, वैसे भी सुंदर है आप थोड़ा। वो कहते ना वो क्या है, उसको सोने पर सुहागा हो गया, सोने पर सुहागा हो गया। तो मम्मी भी ऊपर रेडी हो रही है, बिकॉज हम भी जा रहे हैं शादी में, शादी में मिलते हैं दीदी के साथ। बिल्कुल ओके दीदी, ऐसा कर दो। यस फाइनली भाई जो दुल्हन का मेकअप था भाई वो करा है मम्मी ने, हमारी मेकअप आर्टिस्ट। और मम्मी को खुद रेडी होने का टाइम नहीं मिला, मम्मी ऐसे ही रेडी हो गई बस। वहीं टाइम चल जल्दी कर भाई, रात के बच्चों के पूरे साढ़े ओ भाई स्टाफ 10 बज चुका है, निकले फटाफट। चल चल तो भाई अपन रेडी है, निकलते जूते पहनते और भाई चलो भाई। तो भाई फटाफट निकल रहे भाई, वो भी रेडी हो चुका है मस्त। मतलब मुझे गेट बंद है यार, गेट है और कौन सा बंद नहीं खुला है, ये ताला यहाँ लगा है, ये तो खुला ही नहीं। अरे दिमाग है लौंडे में भाई, अरे ओम में दिमाग है, नहीं है वो दिमाग यूज करता है, दिमाग है भाई, हम में दिमाग ही नहीं है भाई, हम कहाँ से घुस रहे, हम कह रहे गेट ही बंद है भाई, गेट तो खुला है भाई, गेट खोलने की देरी है बस, क्यों भाई चलो भाई। तो भाई ये रही भाई पूरी शादी भाई। तो भाई शादी में आते हम अटैक करेंगे खाने पीने में मस्त, खाना पीना खाएंगे भाई। तो गाइस मम्मी ने दिन का मेकअप करा है, उनकी हम शादी में आ चुके हैं अभी। तो मम्मा कैसा लग रहा है आपको आज आपने मेकअप कराया इतना बढ़िया वाला, उसी शादी में आप आए भी हो? आज ही नहीं करा मैंने, ऑलवेज करते हो। हाँ करते हो, लेकिन आप उस शादी में भी आए हो ना जिनका आपने मेकअप कराया, ऐसा कहाँ होता है। तो ये कहानी है, बाकी यहाँ पे हम खा रहे हैं, खाना खाने में है पूरी सब्जी दाल रायता वायता सब है, तो सब खाएंगे भाई, इंजॉय करेंगे और मस्त खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे चल रही कुछ बातें, बहुत ज्ञान की बातें हैं, और पापा यहाँ पे कुछ बातें बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हमको एक दिन जाना भी है, यहाँ छोड़ के मरना भी है और एक दिन बुढ़ा भी होना है, और ये हमारी मैडम है, ये सोचती है कि जिंदगी में कहीं बुढ़ी होंगी नहीं। मम्मा जब हो जाऊंगी तो मान लूंगी, अभी फिलहाल नहीं हूँ तो नहीं मानूंगी। मानना पड़ेगा कि एक दिन समय चेंज होगा, चेहरे में झुर्रियां भी पड़ेंगी एक दिन। तो फिलहाल मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं। अभी एक आंटी मुझे बोल रही थी कि ये अकेली रहती है क्या इतने बड़े मकान में, तो उन्होंने बोला क्यों, कह रही यार शादी नहीं हुई है क्या इसकी, लड़की लड़के बताऊं, लड़के हैं मेरी नजर में। दूसरी वाली आंटी बोल रही हाँ बताओ बताओ। अब सर आपका क्या कहना है इस बात पे? तो ठीक है आज करें ना, लेकिन आज से 10 साल बाद आप तो लड़के तो क्या गले भी नहीं देखेंगे। लेकिन 10 साल में आप कहाँ पहुँचेंगे आप? लेकिन हम ऐसे रहेंगे सदाबहार, सदाबहार कोई गारंटी थोड़ी है। मैडम 10 साल बाद कोई नहीं देखने वाला है, अभी रिश्ते जितने आ रहे अभी तो यहाँ भी रिश्ते आ रहे हैं, यहाँ रिश्ते आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमसे कुछ कर लो, हमसे कुछ रिश्ता कर लो, लेकिन आने वाले 5-7-10 साल बाद यहाँ की और कोई देखेगा भी नहीं। आपकी बातों में बिल्कुल भी दम नहीं है। अजय भाई कुछ लग रहा है, कुछ बात में सेंस है? दम है नहीं। अंकल को पता होगा, कई लोग अंकल को मिल रहे हैं। कई लोग जब मैं ना किसी फंक्शन में जाता था यहाँ तक बाल होते थे, जब यूं करता ना बाल आगे आते थे, लाइन लगती देने वालों की। आज देखो कोई नहीं है ड्राई, आज कोई नहीं है भाई, ड्राई हो गया, ड्राई यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पूरा ड्राई हो गया, यहाँ कह रहे थे ड्राई हो गया लग रहा है। मैडम ने देखा अभी, पता नहीं मुस्कुरा, देख के मुस्कुरा रही थी, पता नहीं हो, देख के मुस्कुरा रही थी। मेरा वही लड़का है जो मुझे कॉलेज में छेड़ता था। क्या बात है, जानती तो नहीं है तो कहने का लगा कि एक समय था जब लाइन लगती थी, आज देखो दौर था तो भाई ऐसा धर्मेंद्र का पिता पिता दुल्हन आ गई है, दुल्हन सर दुल्हन के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? गाइस पापा का तो मेरे वो दौर आ गया भाई, हमारा वो दौर नहीं आ रहा है, और पता नहीं वो दौर आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो। ओम का भी वो दौर नहीं आ रहा है, तुम्हारा वो दौर बड़े चाप खाने में,
ये बरात का खाना सूत्रे में है, है फालतू की चीजें सूत्रे में तुम्हारा दौर बीत रहा है, हम सारा जिंदगी मजे लेते हैं। हम कलावती जहाँ मैं रहता था सूत्रे जितने अमरूद के पेड़ थे सारे अमरूद खा जाता था मैं, सारे पपीते तोड़ के खा जाता था मैं, है हम मार खा देते। तुम क्या ये चाप खाओ कुरकुरे खाओ बरात का खाना सो तो बस हो गया, लेकिन जब खान पीना तो गाइस इस एज में गाइस हमारा वो दौर नहीं आ रहा, लेकिन भाई मनीष सर का दौर आ चुका है दोबारा से, है ना। मनीष सर ने आज दाड़ी दाड़ी वाड़ी सब काली करके बैठे बिल्कुल स्मार्ट लग रहे बिल्कुल। और ये देखो भाई ड्रेसिंग सेंस देख देख ऐसा है ना, जवान लौंडे कैसे लग रहे आज बस ये बताओ कैसे लग रहे हैं। ये नौकरी की तलाश में लड़का घर से भाग नहीं जाता है, भाग जाता है कहीं शहर में जाता है, फिर कहीं उसको कहीं एक बारात में जाने का मौका मिलता है, वही आज तुम्हारा गेटअप है। क्या 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 तो जब भी देखो ये प्राइम मिनिस्टर का पीएन होता जैसे वो लग रहता है, वो ऐसे लग रहा था क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रही बात। अरे मोबाइल को साइड करके अपनी जिंदगी को जी ले, और तो इसका आ रहा है दौर इसका, अपनी जिंदगी को जी ले, मोबाइल को साइड कर ले कुछ समय के लिए, साइड नहीं आदत सी होगी। भाई जवान है बुढ़ा क्या है, ये समझ में पहले बुढ़ा हो गया बेचारा। अरे आज ऐसा क्यों लग रहा है, रोज अजय ना मतलब मस्त हंसता है बात करता है सब कुछ करता है, आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सारे टेंट लगा के यही बैठा होगा। थक गया है सीधा यहीं आ गया ना, फिर फोन खोल दिया उसने। अरे वो आदत सी हो गई है, आज तो ट्रोल हो रहा है भाई तगड़ा वाला, वो थोड़ा हैबिचुअल हो गया, हैबिचुअल हो गया तो फोन दे दे यार। और ये खोया हुआ है लाइफ में, ये तो पता नहीं किसी के उसमें खो गया, पता ही नहीं है दुनिया में करना क्या है, इसके बाद लाइफ में क्या करना है, क्या लाइफ का बीच में अच्छे बात रखे भी मेरे, इसके धरती में आने का उद्देश्य क्या है वो कुछ पता नहीं। धरती में आने का उद्देश्य सुन सुन इंडियन जस्टिन बीबर देखना तुझे उधर देखा। भाई मैं अपने लिए लाया था भाई गुलाब जामुन भाई, और मम्मी खा गई, ये कैमरे के सामने खिला रहे हो। This is the next day, अभी करते इस व्लॉग पे एंड, अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया आपके चेहरे पे स्माइल आई अपने एंजॉय करा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल सुबह, टिल देन गुड बाय गुड लक टेक केयर ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन, कल सुबह तैयार है ना, टिल देन बाय बाय।